हेलो एवरीवन दिस इज साक्ष विष्ण एंड वेलकम टू मैग्नेट सो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम उसे शॉर्ट में डब्ल्यू भी बोल सकते हैं राइट सो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा था एंड आउटसोर्सिंग में हम लोगों ने देखा था कि वो जो आउटसोर्सिंग है वो ग्लोबलाइजेशन का एक आउटकम है ठीक है हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में

बहुत ही अच्छे से हम सभी को पता है क्या होता है राइट ये पूरी दुनिया जितनी भी कंट्रीज हैं सब इंक्लूड हो गई वो क्या आ गया वो आ गया हमारा वर्ल्ड हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ जो इंडिया है वो वर्ल्ड हो गई नहीं इंडिया एक कंट्री है और इंडिया के जैसे और जितनी भी कंट्री है उन सबको मिला के क्या हो गया वर्ल्ड ठीक है उसके बाद में ट्रेड ट्रेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स अगर मैं अपने इस इकोनॉमिक्स या बिजनेस से रिलेटेड टर्म में बताऊं ट्रेड क्या है तो ट्रेड क्या है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एकदम सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं सो so, वर्ल्ड में ट्रेड करना ओके okay? और इसको मैनेज करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन राइट आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इसका जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड में इस पूरी वर्ल्ड में क्या करना है ट्रेड करना है मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज है उसे बाय और सेल करना है और ये जो ट्रेड होता है इसे पूरा मैनेज करने 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 वाला करने वाला करने वाला रेगुलेट कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उसे क्या बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके बहुत ही इजी था ये एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा ओके नाउ स्टूडेंट्स क्यों जरूरत है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की राइट right? हमें अगर किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड करना है तो हम कर सकते हैं इजीली। अगर मुझे हम मतलब मैं मतलब इंडिया हो गई और एक और हम ले लेते हैं कंट्री जापान, ठीक है अब अगर इंडिया को जापान के साथ में ट्रेड करना है तो वो इजीली कर सकता है ना जो भी बाय और सेल करना है वो कर सकते हैं इनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड है वो हो जाएगा राइट right? तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों होती है देखो एक सिंपल सी चीज है जब आप किसी के साथ में ट्रेड कर रहे हो ठीक है हो सकता है पॉसिबल है कि कुछ डिस्प्यूट्स हो जाएं आप दोनों के बीच में मतलब कि इंडिया और जापान के बीच में हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट्स हो जाएं अब वो जो डिस्प्यूट्स होंगे उसे कौन सेटल करेगा ये जो लड़ाई हुई है इंडिया जापान के बीच में ये कौन सेटल करेगा ना इंडिया सुनने के लिए रेडी है और ना ही जापान सुनने के लिए रेडी है तो दोनों को एक किसी पॉइंट पर आकर एग्री तो करना पड़ेगा लेकिन ये दोनों आपस में तो झगड़ते जा रहे हैं वो नहीं सुन रहे एक दूसरे की तो अब किसकी जरूरत आई एक इंस्टीट्यूशन की एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो कि फेयरली जो ये पूरा डिस्प्यूट है इसे सेटल कर सके राइट right? तो इस ये जो काम है ये किसने किया अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अब इंडिया और जापान किसके पास में जाएगा डब्ल्यू के पास में जाएगा कि देखो ये ये प्रॉब्लम हुई थी और अब इसे सॉल्व करना है राइट right? तो ये जरूरत होती है डब्ल्यू की उसके बाद में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से जो सारी कंट्रीज है उनमें बहुत ही लीनियंट वे में ट्रेड चलता है डब्ल्यू जो है स्टूडेंट्स वो भी हम बोल सकते हैं एक हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उसी को और ज्यादा बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है राइट right? ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम बोल सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है कि जो वर्ल्ड है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड करवाना राइट जो हर एक कंट्री है उसकी बाउंड्री को क्लोज ना रख के उसकी बाउंड्री को कैसे करो ओपन करो एक ओपन इकोनॉमी बनाओ राइट एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनानी है तो और इसी के साथ में जो ग्लोबलाइजेशन में हमने पढ़ा वो भी थोड़ा सा रिवाइज कीजिए ग्लोबलाइजेशन में क्या पढ़ा कि आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट करवाओ आप दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ में राइट मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ आपकी कंट्री के अंदर ट्रेड नहीं करोगे ये जो ट्रेड है वो आप आउटसाइड योर कंट्री भी करना है राइट वही ग्लोबलाइजेशन बोलता है और उसी को और अच्छे से जो है और अच्छे से आगे कौन लेके जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ओके सो आई होप कि आप लोगों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसे एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ लेते हैं एक एक चीज जो इसकी एक एक डिटेल है वो हम इसकी अच्छे से देख लेते हैं ओके सो एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट रेगुलेट्स एंड फेसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस क्या फेसिलिटेट या रेगुलेट किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है इंटरनेशनली जो बाइंग एंड सेलिंग होगी वो देखता है वो रेगुलेट करता, करता है और उसे फेसिलिटेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशन फर्स्ट जनवरी 1995 ठीक है ये कब सेटअप हुआ हमारा जो डब्ल्यू टू है वो

हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके देखो ये सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछने वाले कि कब कमेंट कब ऑपरेशन स्टार्ट हुए या कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं इनके लेकिन ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए एक जनरल एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को ये जो बहुत ही जनरल जनरल सी चीजें पता होनी चाहिए ठीक है हाँ इन फ्यूचर आप लोगों से बिल्कुल ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है कब ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे इसके पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था ये आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इसलिए ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए ठीक है सो हेडक्वार्टर्ड कहाँ पर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में ओके ज वन सिक्सटी फोर में रिप्रेजेंटिंग ओवर नाइनटी सिक्स परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल जी डी पी ये कुछ एक जनरल नॉलेज था डब्ल्यू टी ओ के बारे में ये कुछ फैक्ट थे जो कि पता होना चाहिए एंड डब्ल्यू टी ओ का ये लोगो होता है ओके सो आई होप की इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी नाउ एज एन इंपॉर्टेंट मेंब्ल्यू टी ओ इंडिया हैज बीन इन दंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स रेगुलेशन एन एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड अब भाई इंडिया भी उसका पार्ट है तो इंडिया तो अब जहां पे भी जिसका भी पार्ट है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं राइट इंडिया so, जो है वो फेयर ग्लोबल रूल्स में जो जो रूल्स है वो फ्रेम करने में हेल्प करता है इवन वो अपनी कंट्री में भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं एक चीज को देखते हुए कि इंडियन जो सिटीजन्स हैं जो हमारी पूरी कंट्री है उसकी जो प्राइवेसी है उसकी जो कोर बेसिक चीजें हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ठीक है तो वहां पर हर एक पर्सन का अपना अपना से होता है मतलब हर एक कंट्री का इफ किसी भी कंट्री को लगता है कि वो एक्सप्लोइट की जा रही है तो वो उन्हें जो डब्ल्यू टी है उन्हें बोल सकती है वहां पर अपनी आवाज रेस कर सकती है ठीक है इंडिया हैज केप्टेड टू दब्ल्यू टी ओ इंडिया हैजेक रीजनेबल टू स्टेप्स टू लिबर टू लिबरलाइज स्टेट बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड रिड्यूसिंग टेरिफ रेट्स ये दो चीजें जो है इंडिया ने की थी राइट प्रायर टू 1991 हम लोग हमें पता है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली जो एक पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट लेके आई थी और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि वो इंपोर्ट को कैसे सब्सटिट्यूट करेंगी विद हेल्प ऑफ कोटास एंड टेरिफ्स राइट टेरफ यूज करेंगी वो और कोटास जो है वो लगाएंगी और उसकी हेल्प से क्या किया जाएगा जो इम्पोर्ट है उसे सब्सटीट्यूट करेंगे डोमेस्टिक गुड्स के साथ में राइट ये गवर्नमेंट लेके आई थी प्रायर टू 1991 नाइन्टी कोटाज़ में क्या होता है स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाना कि आप सिर्फ और सिर्फ इतने यूनिट्स को ही इंपोर्ट कर सकते हो तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाना लेकिन आफ्टर 1991 इस चीज में हमें चेंजेस दिखे आफ्टर 1991 हमने देखा कि हमारी जो कंट्री थी उसमें एलपीजी रिफॉर्म्स आए एंड उन एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या बोला गया था कि कंट्री को लिबरलाइज करो कंट्री में जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं उन्हें हटाओ राइट right? जो आ, ये जो टैरिफ्स और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं इन्हें हटाए जाए तो ये दोनों चीजें हटा दी गई थी एंड अब इम्पोर्ट्स पर ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थे इंपोर्ट्स एंड इवन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो एक्सपोर्ट्स पर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थे तो इंडिया ने स्टार्टिंग से ही बता दिया था कि हम आपका हम आपकी बात मान रहे हैं हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं ठीक है और जो भी कमिटमेंट उन्होंने की वो उन्होंने पूरी भी की राइट नाउ सम मेजर फंक्शन ऑफ डब्ल्यू टी ओ अब डब्ल्यूटीओ के कुछ फंक्शन देखते हैं हम टू फेसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड रीजन क्या है कोई ना कोई बैरियर होंगे राइट right? कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन किसी कंट्री ने लगा के रखे होंगे तभी तो फ्रीली ट्रेड नहीं हो रहा है, है ना अब जो डब्ल्यू टी ओ है उसका क्या काम है स्टूडेंट कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करे राइट सो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का मतलब क्या है यहां पर कि वो जो है जो डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये ध्यान रखता है कि किसी भी कंट्री में ऐसे बैरियर्स ना हो कि ट्रेड में दिक्कत आए ठीक है थीके? तो क्या करना है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करना है किसकी हेल्प से रिमूव करके टेरिफ या फिर नॉन टेरिफ बैरियर्स टेरिफ बैरियर्स क्या हो गए टैक्सेस एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स क्या हो गए जैसे कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन था तो वो हो गया नॉन टेरिफ बैरियर्स ठीक है अब यहाँ पर दो वर्ड और आए एक आया बायोलेटरल और एक आया मल्टीलेटरल फ्रेड अब का मतलब क्या होता है बाय का मतलब हमें हमेशा से पता है स्टूडेंट्स कहीं पर भी यूज होता है तो ये क्या बताता है कि दो चीजें हैं यहाँ पर राइट तो बायोलेटरल में हम बोल सकते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहे हैं एंड मल्टीलेटरल में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये जो मल्टी आ जाता है तो मल्टी का मतलब हम क्या बताते हैं Two, uh, more than two, sorry. Right? क्या है ये? More than two है. ये so, का मतलब कि आप दो कंट्री के के बीच बीच में में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा है ट्रेड चल रहा है सो so, उसे हम क्या बोलते हैं ओके टू स्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड क्या स्टेब्लिश करना है डब्ल्यू को रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम जिसमें की जो नेशंस है वो आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते ट्रेड पर अपने मन से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज नहीं कर सकते इस चीज का ध्यान रखता है डब्ल्यू ओके okay? जो भी डब्ल्यू के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो वर्क करते हैं ठीक है टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज बिल्कुल सही बात है एनलार्ज प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैसे एनलार्ज होगा सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स एक कोई इंडस्ट्री है ए ये पहले सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही अपने गुड्स को सेल कर रही थी ठीक है तो मान लीजिए डोमेस्टिक मार्केट में जो उनके गुड्स की डिमांड है वो है फिफ्टी यूनिट्स की तो अभी जब वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही जो गुड्स हैं वो सेल कर रही हैं तो वो जो ए इंडस्ट्री है ये कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी फिफ्टी यूनिट्स का या थोड़े बहुत ज्यादा का कि एक फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है ज्यादा डिमांड आ जाए तो थोड़े बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बल्क में नहीं बनाएगी अब जब इंटरनेशनल ट्रेड ओपन हुआ जब इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है तो इस ए कंपनी ने इस ए इंडस्ट्री ने उसके जो गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया ठीक है कहां पर सेल करना स्टार्ट किए या ट्रेड करने स्टार्ट किए फॉरेन मार्केट में तो आप फॉरेन में मान लीजिए इसकी डिमांड है ट्वेंटी यूनिट्स की तो आप देखिए प्रोडक्शन बढ़ा पहले सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने की रिक्वायरमेंट थी अब 70 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन जो है वो इनलार्ज हुआ राइट किसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज़ अब सर्विसेज़ भी ट्रेड हो सकती हैं और गुड्स भी ट्रेड हो सकते हैं तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसमें क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है to ensure optimum utilization of world resources. वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन राइट हर जो वर्ल्ड जरूरी नहीं है ना कि आपकी कंट्री में जो रिसोर्स है वो दूसरी कंट्री में भी हो या फिर जो दूसरी कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है वो आपकी कंट्री में भी हो तो अच्छे से एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो वर्ल्ड के रिसोर्स का ठीक है वो जो एक रिसोर्स है वो सभी को मिले ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो होस्ट कंपनी है उसी के लोगों को वो रिसोर्स का बेनिफिट मिले ओके सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स एंड टू प्रोटेक्ट दी एनवायरनमेंट अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड में डील करता है वो ये चीज भी देखेगा कि जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है बेस्ट, बेस्ट थ्रू ही प्रोडक्शन किया जाए ओके यहां पर कोई भी जितना वो हार्मफुलनेस कम कर सके उतना करने की जरूरत है ठीक है तो ये कुछ फंक्शन है जो कि डब्ल्यूटीओ परफॉर्म करती है ओके, okay? आई so कि ये जो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे नाउ एक बहुत ही अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन शुड इंडिया बी मेंबर ऑफ डब्ल्यू टी ओ एक बहुत ही डिबेटिंग क्वेश्चन भी हो सकता ही है ये कि क्या इंडिया को डब्ल्यू टी ओ का मेंबर रहना चाहिए जितना भी पढ़ा मैंने अभी तक आप इस वीडियो में भी बताया सब कुछ में मैंने क्या है? कि एक एक है। उसकी वजह से ये ये होती है और उसके ये, ये फंक्शन अभी तक आपके मन में जो उसका एक आउटलुक था वो एक पॉजिटिव आउटलुक था राइट अगर आपको इसके नेगेटिव चीजें नहीं पता है पहले से तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो क्या है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पॉजिटिव चीज है वो एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेंबर हमें होना चाहिए लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं क्या ड्रॉबैक्स हैं वो समझते हैं देखो तीन काइंड की कंट्रीज हम बोल सकते हैं डेवलप्ड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड ठीक है तो अभी मैं दो ले रही हूं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है तो हम अंडर डेवलप्ड की बात नहीं कर रहे हम दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं एक तो हो गई क्या हमारी डेवलप्ड और एक आ गई हमारी डेवलपिंग ठीक है नाउ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रेम किसने किया है ये फ्रेम किया है कुछ डेवलप्ड नेशंस ने ठीक है मतलब कि यह जो डब्ल्यू टीओ टीओ है ये डेवलप्ड नेशंस ने फ्रेम किया है और जो डेवलपिंग है मतलब कि जो इंडिया है वो तो उसका पार्ट बना बाद में ना एक सिंपल सी चीज है जिसने फ्रेम किया है उसी के उन्हीं मतलब कि जो की मेंबर्स होंगे वो इन्हीं डेवलप्ड नेशंस के कोई ना कोई पर्सन होगा राइट right? तो यहां पर बायसनेस होगी राइट right? यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में अगर हम थोड़ा सा देखें कि हमारा जो पेंडुलम है वो कहाँ जा रहा है तो कहाँ टिल्ट करेगा डेवलप्ड नेशन के साइड राइट right? इनका जो आ, इन डेवलप्ड नेशन के साइड जो डब्ल्यू है उसका झुकाव ज्यादा दिखेगा हमें अगर कोई भी एक रूल्स या रेगुलेशन या पॉलिसी फ्रेम की जाएगी तो वो डेवलप्ड नेशन के फेवर में हो ये चीज जरूर देखी जाएगी डेवलपिंग के फेवर में हो या नहीं हो वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है लेकिन इनके फेवर में तो होनी ही चाहिए राइट तो अब हमारा तो क्या है डेवलपिंग है तो जो जो ड्रॉबैक्स होते होंगे कि इन जो पार्शियलिटी होती होगी वो इंडिया को भी फेस करनी पड़ती होगी राइट इसीलिए ये आर्गुमेंट आता है कि क्या इंडिया को मेंबर होना चाहिए डब्ल्यूटीओ का अब देखो इसके दोनों चीजें हो सकती है होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए हमें पॉजिटिव भी देखना है और हमें क्या देखना है नेगेटिव भी देखना है अब हर एक पर्सन का अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोल सकता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी डब्ल्यूटीओ का पार्ट नहीं होना चाहिए इंडिया को कोई बोल सकता है कि होना चाहिए हर एक चीज में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो होते ही है राइट तो अब हमें क्या करना है हमें एक बैलेंस्ड आंसर देना है ठीक है हम ना तो बोलेंगे कि नहीं हो और ना ही हम बोलेंगे कि हो ही हो ठीक है हमने उसके पॉजिटिव भी बता दिए हम उसके नेगेटिव भी बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण ये चीज हमारे माइंड में आती है कि इंडिया को पार्ट नहीं होना चाहिए ठीक है सो एक तो हमें यहां पर समझ में आ गया कि ये डेवलप्ड नेशन ने फ्रेम किया है तो इनकी ज्यादा चलेगी डेवलपिंग नेशंस की इतनी नहीं चलेगी राइट अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक चीज और देखी कि इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन वाले जो आ, हम लोगों ने पॉलिसीज लगा के रखी थी हमारी गवर्नमेंट ने कोटाज एंड टेरिफ वो तो हटा दिए गए इंडिया से लेकिन सेम चीज डेवलप्ड नेशन के साथ में हुई ये जरूरी नहीं है हम ये देख सकते हैं कि इंडिया ने तो टेरिफ्स हटा दिए लेकिन लेकिन एज एन एग्जाम्पल हम ले कि यूएसए में कुछ आ, कुछ चीज़ों पर टैरिफ्स बाद में भी लगाए गए थे जिसकी वजह से जो इंडियन गुड्स थे वो ज़्यादा यूएस मार्केट में नहीं जा पाए ओके okay, ये 1991 के बाद में हुआ था कुछ टेक्सटाइल गुड्स पर हाई टेरिफ्स इम्पोज किए गए थे बाय यूएस तो इसकी वजह से जो टेक्सटाइल गुड्स थे वो इंडिया से यूएस के मार्केट में ज्यादा नहीं जा पाए तो ये क्या हुआ कि देखो हमने तो मतलब कि इंडिया ने तो अपनी कमिटमेंट पूरी करी इंडिया ने सारे टेरिव वगैरह हटाए इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी बनाया लेकिन इंडिया के लिए दूसरे मार्केट नहीं खुले राइट right? तो ये डब्ल्यूटीओ ने इस चीज को क्या किया इग्नोर किया डब्ल्यूटीओ ने ये नहीं बोला कि यूएस आप भी ये अपने जो टैरिफ्स हैं वो हटाइए क्यों बिकॉज़ वो इन्हीं का तो पार्ट है इन्होंने ही तो फ्रेम किया है राइट right? तो ये एक सिंपल uh, सी चीज है जो कि हमें समझनी पड़ेगी कि पार्शियलिटी तो होती है सम स्कॉलर्स आर ऑफ द दैट देयर इज नो यूज फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ Uh, WTO. According to अकॉर्डिंग टू volume मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड the अमंग nations. मतलब कि जो मेजर वॉल्यूम है जो बहुत ही ज्यादा प्रपोशन uh, वाला जो ट्रेड है वो किसके बीच में हो रहा है डेवलप्ड नेशंस के बीच में ओके okay? जो डेवलपिंग नेशंस है उन्हें नेगलेक्ट किया जा रहा है और हमारा इंडिया तो किस में आता है डेवलपिंग में तो वही चीज हो रही है यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज़ दे आर फोर्सड टू ओपन अप देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज यही जो एग्जांपल जो फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया अभी यूएस और इंडिया का कि यूएस ने अपना जो मार्केट है वो ओपन नहीं किया टेरिवस वहां पर लगा के रखे लेकिन इंडिया ने तो वो टेरिवस हटा दिए थे राइट तो ये एक पार्शालिटी हुई ये एक चीटिंग हुई कि देखो इंडिया ने तो अपनी जो इकोनॉमी वो ओपन कर दी सारे नेशन के लिए लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो जो डेवलपिंग नेशन है लाइक जो इन, जैसे कि इंडिया तो इसके लिए अपनी जो बाउंड्रीज है वो ओपन नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक सही चीज नहीं थी तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि हम इसके आ, इस पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं कि इंडिया को पार्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है हमने फेवर वाले तो अभी इसके पहले हमने पॉजिटिव चीजें देखी थी कि डब्ल्यूटीओ की क्या क्या पॉजिटिव चीज है और ये कुछ हमने इसकी नेगेटिव चीजें देखी कि डेवलपिंग नेशंस के लिए डब्ल्यू सही क्यों नहीं है ओके सो आई होप कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके जो दोनों साइड्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे ओके नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट वीडियो uh, होगा उसमें हम जो अपना चैप्टर का नेम है उसका जो लास्ट पार्ट है वो कवर करेंगे क्या नेम है हमारे चैप्टर का लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजन राइट इसमें से हमने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया बचा क्या एंड अप्रेजल अभी अप्रेजल बचा है अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि हमें एक फेयर जजमेंट देना है क्या चीजें सही हुई क्या चीजें गलत हुई तो ये जो अप्रेजल है ये हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं आई होप सो कि आप लोगों को डब्ल्यूटीओ अच्छे से क्लियर हो गया होगा थैंक यू